तो अब आप मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें होंगी। देखो सबसे पहली बात, सलात हम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो वॉट, इट इज ऑल्सो फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज है, टाइम मैनेजमेंट की एक वो है। सही टाइम मैनेजमेंट आपको स्ट्रेंथन रहती है, जो कि जितनी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट की आपको एक्सरसाइज मिलती है, ना कि ज्यादा ना कि कम। फिर क्या है, एक्सरसाइज का जो मेन मकसद है वो क्या है, रेगुलर इंटरवल, बिल्कुल डिप्रेशन वगैरह के और उसके चलते जा रहे, उन सब के लिए भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स आउट करते हैं। आप नई नई तरीके ढूंढ रहे हो, क्या कहते हैं मेडिटेशन के, मेडिटेट करने के, योगा कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आपको याद हो गया। आपकी जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है या फिर जो भी उसकी वरीज है वो सबको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये सलाद जो है, नमाज खास तौर से वो आपको करती है। अच्छा जकात आ जाओ, जकात क्यों है हमें, जकात सबसे पहले जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है इसको खत्म करती है। इक्विटेबल को बिहेव को इक्विटेबल बिहेवियर हो गया, सही है। फिर क्या चीज आती है कि लव फॉर मनी, आजकल जो जंग चल रही है दुनिया में क्या चल रही है, टू बिकम द बिलियनेयर या बिलियनेयर, ये चीज क्या चीज के ऊपर लेके आ रही, कलेक्टिविज्म के ऊपर। एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली आपको सोचने पे मजबूर कर रही है, के साथ इसको आर्म्स गिविंग के ऊपर भी लाना ना, सदका के ऊपर भी लाना, सदका भी हो गया, खैरात हो गई, सब चीजें, वो सब क्या है कि आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट है पैसे की एक्युमुलेशन वो खत्म करके आप कलेक्टिव एज अ सोसाइटी आप सोचो, सही है। फिर ये क्या है, ये कहता है एट ऑल लेवल्स, क्या मतलब, कोई कहता है कि यार इतना मैं अमीर हो जाऊं तो मैं तभी करूंगा जकात, अगर जकात नहीं तो सदका दे। दूसरा जो बिल लोअर क्लास लोगों सोसाइटी है जो कि इसे करते हैं प्रिविलेज नहीं है उनके लिए, वो वाला ब्रैकेट है कि जब तक वो लोअर लिमिट पे। हेलो आवाज आ रही, हेलो, अंदर भी बेसिकली जो सबसे वो है रब्बना आतिना फिर दुनिया हसन व फिल आखरती हसन व फिल आखरती हसन व किना अज़ाब अन्नार, तो आखरत की भी तैयारी करनी, तो हज को दे दिया एक एलिमेंट आर्म्स गिविंग में ना। सौम भी क्या क्या आता है इस पूरे को लिंक किससे कर रहे हैं कि इन इन चीजों के जो फायदे हैं उससे आप लिंक करना चाह रहे हैं कि हम लोग गवाही देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, गवाही हम सिर्फ अल्लाह ताला की जात के ऊपर नहीं, हम ये कहते हैं कि आखिर पे यकीन है, आसर सल्लम की जो तालीमात है उस पर भी अमल करता है, और आखिर हमारे पास ये साइकोलॉजिकल इश्यूज है ये इसको डील करता है। सिर्फ ये सोच लेना कि इसका हल हो जाएगा, उसके पास तो एंजाइटी और डिप्रेशन फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज के अंदर ही तुम बात कर लोगे। पहले मैंने पहला इशू तुम बताओगे कि कंटेम्परेरी में क्या जरूरत है, फिर उसी के आगे तुम वो बयान करते जाओगे। इसी तरह तुम दूसरा बता दोगे कि सफाई के ऊपर क्लीनलीनेस, अत्तहूरु शतर ईमान, के जो सफाई है वो ईमान का शतर ईमान, तो तहारत जो है वो ईमान का हिस्सा है, सही, तो वो क्लीनलीनेस को भी प्रमोट। फिर आ जाओगे, फिर आप होर्डिंग ना करो, सही है, होर्डिंग को मना फरमाया। फिर क्या है कि सोसाइटी की जो इवेंट्स है उसमें क्या क्या आता है, गैम्बलिंग, शराब, अराब, इन सबको मना कर, सोसाइटी के एलिमिनेशन, क्लीनलीनेस आ गया, और क्या आएगा, हाँ हाँ उसमें स्पेंडिंग जो है ना कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा नहीं होती, जब वो चीज खत्म हो देखें तो हमारे ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर, हाईलाइट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स ऑफ द, सही, क्योंकि माइग्रेशन के बाद तो जाहिर है वो एक सही है, वाइब्स आ गए, अच्छा फिर वो आ गए स्क्राइब्स, थोड़ा सा इसको पढ़ के आना हम इसको।